अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस सपोज करें, उनका नाम अगर मेरे पास ए या बी है तो वो तब इक्वल होंगे सिर्फ दो कंडीशंस अगर वो फुलफ़िल करते हैं। अगर वो दो कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते तो वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं कहलाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ़, आई डबल एफ वाला इफ़ लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है इफ़ एंड ऑनली इफ़। आई डबल एफ भी यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ तब ही ये मुमकिन है। अगर फर्स्ट कंडीशन उसकी क्या है कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हो सकता है, मतलब पहला मैट्रिक्स कोई भी उसका नाम हो सकता है, और बी मैट्रिक्स का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ बी, तो आपके जो दो मैट्रिसेस आपके पास गिवन होंगे अगर उन दोनों के ऑर्डर बराबर होंगे, फर्स्ट कंडीशन जो आपने चेक करनी है, और सेकेंड कंडीशन मेरे पास क्या होगी, देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें मुझे पता होना चाहिए कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहते हैं किसको हैं, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती क्या हैं। जैसे कि फ़र्ज करें मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखी है यहाँ पर, उसमें मैं दो मैट्रिसेस पोज कर लेती हूँ। एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए, जिसमें मैंने एंट्रीज लिखी हैं 2, 0, 3 एंड 5। इसी तरह से मैं एक और मैट्रिक्स सपोज कर लेती हूँ विच इज़ बी, उसमें मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास है 0+2, जिसका अगर रिजल्ट देखें तो 2 ही आएगा, 0, 3 एंड 5। अब सबसे पहले तो मुझे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि क्या इनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूँगी, दो रोज़ हैं मेरे पास और दो ही कॉलम्स हैं, और अगर मैं देखूँ बी वाले मैट्रिक्स के लिहाज से तो भी मेरे पास दो ही रोज़ हैं और दो ही कॉलम्स हैं, चाहे एडिशन का ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका नेट रिज़ल्ट देखें 0+2 का तो वो 2 ही बनेगा। इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो ऑर्डर जो है वो ए का इक्वल है ऑर्डर के बी के। अब सेकेंड चीज़ मेरे पास है कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़, का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ का मतलब है जो फर्स्ट एंट्री है आपके पास मैट्रिक्स ए की, मैट्रिक्स की बी की भी फर्स्ट एंट्री वो ही होनी चाहिए। अब अगर मैं इसे कंक्लूड करूं तो वो 2 ही होगी। इसी तरह से अगर 0 है सेकेंड एंट्री तो वहाँ का भी सेकेंड एंट्री क्या होनी चाहिए, 0, और अगर यहाँ पे 3 है सेकेंड थर्ड एंट्री तो वहाँ की भी 3, और अगर यहाँ की फोर्थ एंट्री 5 या कुछ भी हो सकता है तो वहाँ की भी फोर्थ एंट्री सेम होनी चाहिए। इसका मतलब है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इन दोनों मैट्रिसेस की क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है, मैं लास्ट में लिख दूँगी कि इट इज़ प्रूव्ड, ठीक है, कि जो मैट्रिसेस हैं वो ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब क्यों इक्वल है, उसकी दो वजूहात है, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल कर देंगे तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। अगर ऑर्डर सेम हो जाएगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होंगी, इसका मतलब है वो इक्वल नहीं है। अगर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम हो जाती हैं और ऑर्डर ही नहीं मैच कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो दोनों कंडीशंस आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, तभी मुमकिन है कि हमारा मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो इसके बाद हमारे पास काम करने के लिए है, वो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपके सामने आ जाते हैं। ये देखें, ये इस एक्सरसाइज में 1.2 में कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं जो कंफर्म करना है हमने कि आया वो इक्वल हैं कि नहीं। अब मैंने उनको उनके ऑर्डर की मुनासबत से आमने सामने करके लिख लिया ताकि ज़रा हमारे लिए ईजी हो जाए। सबसे पहले हम लोग उनके ऑर्डर डिफ़ाइन कर लें कि आया इनके ऑर्डर्स एक दूसरे के साथ जिन जिन के सेम थे, मैंने उनको सामने सामने लिख लिया ताकि मैं चेक कर लूँ। ऑर्डर तो मुझे पता है कि सेम है, तो फिर इसका मतलब है कि मैंने कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज चेक कर ली। तो मैंने सबके ये देखें, मैंने यहाँ पे सबके जो हैं वो रोज़ और कॉलम्स मैंने डिफ़ाइन कर लिए, सबके बराबर हैं, कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं है कि जिसके आपस में बराबर ना हो। मैंने आमने सामने लिख लिए हैं जो जो इक्वल थे। अब एक एक करके इसको कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ए और सी, तो आप देखें कि 3 जो है वो वहाँ के भी 5 - 2 करेंगे तो 3, देन इट मीन्स कि आपके पास ए इज़ इक्वल टू सी, क्योंकि उसकी ऑर्डर भी सेम हो गया और उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हो गई। लिखना चाहे तो आप उसके एंड पे लिख सकते हैं उसके रिजल्ट में कि आपके पास दोनों कंडीशंस फुलफ़िल हो गई। अब सेकंड चेक करें, 3, 5 है, डी में आपके पास 5, 3 है, और आपके पास आई में भी क्या है, 3 और 3+2 करेंगे तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या कंक्लूड हो रहा है, 5। अब आप देखें 3 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डी के फर्स्ट एलिमेंट से मिल रहा है, नहीं मिल रहा। किससे मिल रहा है, आई के फर्स्ट एलिमेंट से मिल रहा है। इसका मतलब हुआ, अब सेकेंड एलिमेंट चेक करती हूँ, 5 जो है वो डी के मिल रहा है, नहीं मिल रहा, बल्कि
आई के साथ मिल रहा है, इसका मतलब है कि बी जो है वो इक्वल है किसके, आई मैट्रिक्स के। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्डर तो सेम हैं दोनों के, लेकिन उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी मैच कर रही हैं जो कि डी के साथ दोनों की नहीं कर रही थी। अब थर्ड में देखते हैं, मेरे पास ई है, एच है एंड जे है। तो आप देखें कि देखने से ही पता चल रहा है कि सबकी रोज़ और कॉलम्स जो हैं वो बराबर हैं, इसका मतलब है उनके तीनों के ऑर्डर्स जो हैं वो सेम हैं। फर्स्ट एंट्री देखें, इसकी भी फोर है, उसकी भी फोर है, और लास्ट वाले को भी अगर कैलकुलेट करें तो उसका आंसर फोर ही आ रहा है। लिहाजा तीनों की फर्स्ट एंट्री सेम है। तीनों की सेकेंड एंट्री भी ज़रा आप एक दफ़ा ज़रा चेक करें उसका सॉल्यूशन करके थर्ड वाले का, तो वो भी बराबर है। सिक्स के साथ भी सिक्स मैच हो रहा है और फोर प्लस टू भी मेरे पास सिक्स ही होता है। लास्ट देखें, टू टू एंड टू प्लस ज़ीरो भी करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाता है, टू। इसका मतलब है ये तीनों मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो मैं लास्ट में लिखूँगी कि मेरे पास प्रूव हो जाता है ई इज़ इक्वल टू एच एंड एच इज़ इक्वल टू जे, ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, तीनों के ऑर्डर भी सेम हैं और कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी। लास्ट चेक करते हैं जी एंड एफ, उनके ऑर्डर सेम हैं, आप देख लें कैलकुलेट करके, टू टू से इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास सिक्स सिक्स के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है जी इज़ इक्वल टू एफ। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्डर्स भी सेम हैं और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। एक दफ़ा आप तसल्ली से इसको देखें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपकी कोई सजेशंस हों तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।